हेलो, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ये समझ के कोई बोरियत भरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईईडी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईईडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि संभावित तिथि और डिलीवरी की। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो चाहे पहला महीना हो, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी मंथ हो, यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी में, कोई भी मंथ में जब वो एक्सरे कराने जाती है, तो डॉक्टर तुरंत उसे बता देते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी इस डेट को होगी, इस मंथ में होगी अराउंड। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कि वो डॉक्टर कैसे कर लेते हैं एक्सरा करके ही या बिना एक्सरा के भी, कैसे वो उन्हें पता चल जाता है। तो हमें ऐसा लगता है डॉक्टर को हम भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि आपने कई बार देखा होगा, फीमेल अगर चेकअप के लिए जाती है, अगर वो प्रेगनेंसी उसने कंसीव की है, तो सबसे पहले डॉक्टर उससे पूछते हैं LMP, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी उसके वह लास्ट टाइम पीरियड से कब हुई थी, यानी उसकी पीरियड्स कब आए थे लास्ट टाइम। तो जैसे किसी फीमेल के पीरियड्स 18 जनवरी 2021 को आए हैं, तो हम इसकी ईईडी कैसे निकालेंगे, कि यानी अगर उसके लास्ट पीरियड अगर इस डेट में आए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी डिलीवरी किस डेट में होगी और किस सन में होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जैसे उसके लास्ट पीरियड फीमेल के 18 को आए हैं, 18 जनवरी 2021 को आए हैं, तो हमें उसकी जो डेट है उसमें 7+ करना है, और उसके जो मंथ है उसमें 9 ऐड करना है, और सन जैसे कि तैसे लग देना है। तो हम 18 में 7+ करेंगे तो आएगा 25, और जनवरी में 9 ऐड करेंगे तो आएगा अक्टूबर, और 2021 का 21 तो लीजिए, ये आ गई ईईडी। और हम डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, क्योंकि जब पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे दिमाग में बस यही क्वेश्चन चलता था कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पता कर लेते हैं कि ईईडी कैसे पता चल जाती है कि कैसे कब डिलीवरी होगी। सिर्फ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर खाली उनको डेट बता दो कि लास्ट पीरियड कब आए थे, तो वो कैलकुलेट करके ऐसे बता देते हैं, तो हम उन्हें भगवान समझ रखते हैं, अरे डॉक्टर तो वही सब कुछ है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आप कोई भी कैलकुलेट करके इसे निकाल सकता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 और जिस कोई भी डेट है, कोई भी उसमें बस 9 और 7 ऐड करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। कोई भी हम चलो हम दूसरी एक दूसरी डेट ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे चलो 25 ही ले लें, चलो कुछ भी ले, 23 ले लेते हैं, 23 जून ले लिया यहाँ पे हमने, और 2021, तो बस इसमें भी हमें डेट में 7 ऐड करना है, और इसमें 9 ऐड करने हैं, और सन जैसे कि तैसे, यानी 23 में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 30 आ गया, और जून में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि हमने जनवरी क्रॉस कर ली है, यानी हम न्यू सन स्टार्ट हो गया है, तो हम यहाँ पे 2022 मानेंगे, क्योंकि आपने देखा हमने जून से स्टार्ट किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमने यहाँ पे एक सन हमारा चल, यानी एक हम वो 2021 यानी एक हमारा सन चला गया है, तो यहाँ से हम 2022 मानेंगे, तो यहाँ से हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च 2022 में होगी इसकी डिलीवरी। तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।